श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बात आपको पहले कही थी, याद है आप लोगों को, ध्यान में होगा कि शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आओ तो शंकर की मंदिर की देहली पर भी जल का छींटा अवश्य देखा। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर के जो द्वारपाल हैं, भृंगी आदि के जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं, ये नित्य प्रति दरवाजे पर रहकर शंकर का अनुमोदन करते हैं। और जो जीव शिव के मंदिर में प्रवेश करता है उसके लिए शिव से रोज प्रार्थना, भगवान शंकर से नित्य निवेदन करते हैं। ये जो भगवान शंकर के जो गण हैं वो भगवान शिव से नित्य प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ ये भगत है, रोज आता है, प्रतिदिन इसका नियम है, आपके द्वार आना, आपके दरवाजे से निकल कर जाना और आपका गुणगान प्रतिदिन करना। दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए, शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के दो दाने डाल लीजिए, अक्षत के दो दाने डाल, घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले उसके नीचे डाल दीजिए। तीन जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको तीन जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र एक हफ्ते, एक हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे एक हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, एक हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें दो दाने चावल के डालना, दो दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं।